खबर देहरादून से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद सरकार की आज एक अहम कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और इस कैबिनेट बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने 3 अहम विषयों पर चर्चा की। उसमें विधि की राय ली जा रही है। वेतन का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी 2001 से मामला चल रहा है जिसमें कर्मियों को कई माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेसिक पे देने की बात कही थी, वो हम उन लोगों को दे ही रहे हैं तो उसी पे है लेकर के। जो देखिए, रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में पारंपरिक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है जो कि 27 सितंबर तक चलेगा, जिसमें पंचम राज्य ओलंपिक खेलों का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीपैड से रोड शो करते हुए स्टेडियम पहुंचे, जहां पर खिलाड़ियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और ओलंपिक ध्वज फहराया। और देखिए, उत्तराखंड सरकार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में पशुपालन विभाग भी लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रहा है, जिससे जुड़कर लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। पशुपालन विभाग गंगा गाय योजना चला रहा है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति गौ पालन कर स्वरोजगार से जुड़ सकता है और इस योजना से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार ने इसमें सब्सिडी की व्यवस्था की है और SC ST की महिलाओं के लिए 75%, तो वही जनरल कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए 50% की सब्सिडी इस योजना में दी जाती है। साथ ही अगर अन्य योजनाओं की बात करें तो पशुपालन विभाग द्वारा कुक्कुट वैली योजना भी चलाई जा रही है, जिससे जुड़कर हजारों लोग सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से यहाँ पर उन्होंने कहा, सरकार की ये मंशा है कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, इसीलिए इस सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है और सब में सब्सिडी भी रखी गई है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति पशुपालन करना चाहे या दुग्ध डेयरी से जुड़ना चाहे तो सबसे पहले उसको, अगर दुग्ध डेयरी से जुड़ना चाहेगा और हमारी योजनाओं का फायदा लेना चाहता है तो उसको किसी ना किसी दुग्ध समिति के साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारी जितनी भी दुग्ध समितियाँ हैं उसमें से किसी एक के साथ भी जुड़ के, वो हमारी काफ़ी योजना है, उसमें गंगा गाय योजना के तहत वो 2-3-5 गाय या 2 भैंस जो चाहे वो सब्सिडी में ले सकता है। SC ST समाज के अगर व्यक्ति है, महिला है, तो 75% सब्सिडी है और अगर उसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति लेगा तो उसको 50% की सब्सिडी मिल सकती है। पशुपालन विभाग के माध्यम से अगर वो हमसे कोई भी व्यक्ति, हम ब्लॉकों में, ब्लॉक के माध्यम से हम SC ST समाज को वितरण करते हैं, चाहे वो बकरी वितरण करें, चाहे वो गाय, हमारा कोटा फिक्स है, हर ब्लॉक के हिसाब से कोटा है और उसमें हम लोगों को सब्सिडी के माध्यम से जोड़ते हैं। उस पर अगर वो हम पशुपालन विभाग के साथ जुड़ेंगे तो उनको भूसे पे 50% की सब्सिडी मिलती है, उनको हमारा जो कॉर्पोरेट जो हमारा दुग्ध विभाग है उसके साइड। देहरादून में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें PRD जवानों के रजिस्ट्रेशन और प्रोत्साहन राशि संबंधी युवक एवं महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के लिए संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि CM धामी ने PRD जवानों के लिए अधिकांश घोषणाओं के शानदार जिसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान 50 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का भी शासनादेश हुआ है। देखिए, आज प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के लिए, जिसमें खासकर हमारे PRD जवानों के लिए अद्यतन क्या क्या व्यवस्थाएं हमारी संचालित है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए जो घोषणाएं करी हैं उसमें हम लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया है, तो देखा ये गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष में लगभग 3-4 घोषणाओं में, 2-3 घोषणाओं का शासनादेश अभी सितंबर माह में ही निकला है, जिसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान में 50 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संदर्भ में है, वह भी शासनादेश में परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा जो है उनको अतिरिक्त, चाहे वो वर्दी के रूप में हो या अन्य रूप में हो, वो भी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।
खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां पर पछवादून क्षेत्र में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। सरकार की तमाम सख्ती के बाद भी विशेष समुदाय के हिंदू युवतियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे ही एक मामला एक बार फिर सामने आया है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पारा चढ़ गया और कोतवाली विकास नगर में हड़कंप मच गया। सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होगी, और प्रशासनिक दृष्टि से भी जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो अपराध जो मैं निरंतर कह रहा हूं, जो अब देखो ना बात फिर निकल करके आ गई ना, जो मैं कह रहा हूं देश के लोगों का कहीं आने जाने पर कोई रोक की बात नहीं करते, लेकिन अब खुल करके आ गई ना कि कुशीनगर से यहां आए और यहां इस तरीके की घृणित हरकतें करेंगे, तो लिहाजा जो पीछे मैंने अभियान भी चलाया था ठेलियों वगैरह का, उसको दोबारा से रिव्यू करूंगा और दोबारा सख्ती से करूंगा, और ऐसे लोग गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। देखिए, हरिद्वार में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने डेंगू की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की। जिला कलेक्ट्रेट में डीएम ने स्वास्थ्य और अन्य विभाग के अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिले में डेंगू के मामले कम से कम हो रहे हैं, साथ ही डेंगू के चलते कोई मौत ना हो इसके लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें। आज डेंगू के ऊपर टास्क फोर्स की बैठक की गई है, और मैं समस्त जनपद हरिद्वार के निवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि सितंबर महीना ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर आने वाला है और ये सबसे सूटेबल मौसम होता है डेंगू के मच्छरों के पनपने का, तो ऐसी दशा में कृपया ध्यान रखें, कहीं भी साफ पानी इकट्ठा ना होने दें। विशेष तौर पर अब कूलर बंद करके उसको रखने का समय आया है, तो किसी प्रकार से कूलर में पानी न रह पाए। आज डेंगू के ऊपर उत्तराखंड के चंपावत में भूस्खलन का मामला सामने आया है। चंपावत शोला मुख्य मार्ग पर भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया है। बाधित हुए मार्ग में करीब 150 लोग फंस गए हैं, जिसको एसडीआरएफ और पुलिस ने सकुशल बाहर निकाला, और इसी के साथ जो वृद्ध यात्री थे उन्हें एसडीआरएफ ने कंधे पर बिठाकर मार्ग पार करवाया। देखिए, खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। भोला सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अनुसूचित जाति के आरक्षण के पक्षधर नहीं है। राहुल गांधी ने अमेरिका में इसको लेकर जो बयान दिया वह अपमानजनक बयान था। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल गांधी के बयान की निंदा करती है। इसका चेहरा तो लगातार सामने आ ही रहा है, चाहे वो नेहरू जी के रूप में आया हो, चाहे इंदिरा जी के रूप में आया हो, चाहे राजीव गांधी के रूप में आया, लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी मानसिकता थी, वो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके बयान की। लेकिन हमको पीड़ा इस बात की है कि राहुल गांधी जी संसद में जब 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं तो संविधान को हाथ में लेके शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, बीजेपी संविधान का रक्षा नहीं होने दे रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है। लेकिन जिस भाजपा ने 10 साल में देश के हर गरीब को, चाहे वो किसी भी जाति का है, जो सबका साथ सबका विकास सबके मूल मंत्र को लेकर मोदी जी ने गरीबों के हित की योजना पहुंचाने का काम निरंतर 10 सालों में किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने के लिए। देखिए, खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है। राज्य आंदोलनकारियों के सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण के मुद्दों पर घेरा है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार को कोर्ट में जाने से पहले सभी तैयारियां पूरी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलनकारियों के आरक्षण में के पक्ष में है। सरकार को तैयारी करके जाना चाहिए था, और अगर 37 आरक्षण दे रहे हैं, वैसे देना भी चाहिए आंदोलनकारियों को, राज्य आंदोलनकारियों को, और उसके लिए सरकार को पूरी पुख्ता तैयारी के साथ आगे जाना चाहिए, अपील करनी चाहिए। जिस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट चले गए सीबीआई जांच के लिए, तो इसके लिए भी इनको प्रयास करना चाहिए। अच्छे कामों में प्रयास नहीं करते कि कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन जब देखिए उत्तराखंड के विकास नगर के शंखपुर हुकूमतपुर गांव में सड़क किनारे कूड़ा का अंबर लग गया है। यहाँ पर प्लास्टिक की थैलियां पूर्ण तरह से प्रतिबद्ध लगने के बावजूद इसको सड़क के किनारे खुलेआम फेंका जा रहा है। वहीं ना तो ग्राम प्रधान इस कूड़े को उठा रहा है और ना ही कूड़ा भरने वाली गाड़ियां इसे उठा रही है।